हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जन कल्याण एजुकेशन ट्रस्ट। आज के इस वीडियो में आपको रेफरेंस टाइप के बारे में बताने जा रहा हूँ। रेफरेंस टाइप के यूज किस लिए करते हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूँ, वर्ड 2013 ओपन करना है। ओपन करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो इस पर बना चुका हूँ, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ड 2013 स्टार्ट कैसे करते हैं। स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे सर्च पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वर्ड 2013 यहाँ पे दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे दिखेगा आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, ये देखिए डॉक्यूमेंट वर्ड का ओपन हो चुका है, ठीक है। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो रेफरेंस टाइप के बारे में। देखिए रेफरेंस टाइप कहाँ पे है, रेफरेंस टाइप यहाँ पे है, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब और लास्ट जो था पेज लेआउट टैब के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ रेफरेंस टैब के बारे में। ये देखिए कि जैसे ही मैंने रेफरेंस टैब पे क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे मेनू खुल चुके हैं। मेनू भी खुले हुए हैं और ग्रुप्स भी खुले हुए हैं। तो कौन से ग्रुप कहलाते हैं, कौन से मेनू कहलाते हैं, मैं आपको एक बार आइडेंटिफाई करा दे रहा हूँ। ये जो नीचे को जो दिख रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुट नोट, ये जो सारे जो कहलाते हैं वो ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके जो ऊपर जो है छोटे छोटे टूल्स दिख रहे हैं जिसका नाम भी है यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऐड टेक्स्ट, ये सारे टूल्स कहलाते हैं या मेनू बार कहलाते हैं, ठीक है। मैं एक बार यहाँ से आपको आइडेंटिटी करा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट्स, फूड नोट्स, ये सारे ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। सिटेशंस एंड बिबलोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है, ये सब कहलाते हैं ग्रुप्स, ठीक है। और जो ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक, इसको कहते हैं मेनू बार या टूल्स बार, ठीक है। ये सारे जो कहलाते हैं मेनू और ग्रुप्स। जो पहला जो ग्रुप का नाम आता है, जिस ग्रुप का नाम होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे, टेबल ऑफ कंटेंट्स को मैं आपको बता दूं कि क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट भाषा में आपने बुक्स अक्सर देखा होगा, बुक्स में जो बहुत सारे पेज होते होंगे, पेज पे जो लिखा था ना कि ये वाला पढ़ने के लिए पेज नंबर 1 पे जाएं, फिर ये वाला पढ़ने के लिए पेज नंबर 2, 3, 4, ऐसे करके बहुत सारे पेज नंबर होते होंगे और यहाँ पे साइड में कंटेंट होते होंगे, ठीक है। उस टाइप के अपने डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कैसे हम बनाएंगे, ठीक है, अपने वर्ड 2013 में उस टाइप को हम कैसे बनाएंगे, ओके। तो सबसे पहले आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। आप पैराग्राफ लिखोगे, पैराग्राफ लिखने के लिए जो ऑटोमेटिक टेम्पलेट्स आते हैं वो हम कैसे लिखेंगे, हम अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद, ठीक है, और यहाँ से इंटर। जैसे ही हम ये कोड लिखकर इंटर करते हैं, कुछ पैराग्राफ हमारे सिस्टम में जो होते हैं वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा साइज को हम बड़ा करते हैं, सेलेक्ट कर लिए मैंने यहाँ से, इसको साइज को बड़ा कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब टेबल ऑफ कंटेंट को यूज कैसे करेंगे हम, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सारे जो डॉक्यूमेंट है इसे मैं अलग अलग पेज पे इसको भेज रहा हूँ। पहले ये देखिए इसको पेज पे भेजने के लिए मैंने बताया था आपको पेज ब्रेक का यूज करिएगा। यहाँ पे पेज ब्रेक कहाँ मिलेगा आपको, इंसर्ट टैब पे, इंसर्ट टैब पे जाइएगा, यहाँ से पेज ब्रेक, ये देखिए यहाँ पे एक पेज पे ये हो गया, दूसरे पेज पे ये हो गया, इसको भी हम तोड़ कर तीसरे पेज भेजेंगे यहाँ पे पेज ब्रेक, ठीक है। फिर इसको भी हम पेज ब्रेक के रूप में करेंगे और इसको भी पेज ब्रेक, ये देखिए यहाँ पे मैंने 5 पेज बना दिया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है पेज नंबर 5, मैं इसे दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए पेज नंबर 5, ठीक है, ये सारे पेज पे हो चुके हैं। इसको मैं यहाँ पे जूम इन करके दिखा रहा हूँ, जूम इन, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे पेज पे हो चुके हैं। अब हम जाएंगे सबसे ऊपर वाले पेज पे, देखिए यहाँ पे ऊपर वाले पेज पे जाकर यहाँ पे कर्सर को सबसे पहले रख देंगे, ठीक है। रखने के बाद आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है, ये देखिए यहाँ से पहले पेज पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे कुछ नाम यानी कि सेलेक्ट कर सकते हो या कुछ नाम लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल पेज नंबर 1 पे,
ठीक है। पेज नंबर टू पे चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम विंडोज ओके। इस पे लिखेंगे हम डॉस। फिर इस वाले पेज पे जाकर इस पे लिखेंगे हम लोग गेंट ओके। इस वाले पे लिखेंगे हम लोग ऑफिस 13 ठीक है। लिखने के बाद अब क्या करना है, फिर स्टार्टिंग में चले जाना है ऊपर वाले पे ठीक है। इसको सेलेक्ट करना, जो मैंने लिखा था कंप्यूटर फंडामेंटल, इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे होम टैब पे जाना है। होम टैब पे जाने के बाद यहाँ पे हेडिंग ले लेना है, हेडिंग 1 ओके। उसके बाद फिर आपको जाना है यहाँ पे दो नंबर पेज पे जहाँ पे आपने विंडोज लिखा था, फिर इसको भी सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको हेडिंग 2 दे देना है। यहाँ पे देखिए स्टाइल में जाकर स्टाइल ग्रुप में हेडिंग 2 दिखेगा, यहाँ पे हेडिंग 2 पे क्लिक कर देना है ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर पेज जहाँ पे लिखा हुआ डॉस, उसको भी आपको सेलेक्ट कर हेडिंग 3 कर देना है ओके। फिर फोर नंबर पेज पे जहाँ पे पेंट लिखा हुआ, इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से हेडिंग 4 कर देना है। और फिर फाइव नंबर पेज पे जाकर इसको हेडिंग 5 कर देना है ठीक है। हेडिंग 5 करने के बाद आपको ऊपर वाले पेज चले जाना है, ऊपर सबसे ऊपर जहाँ पे आपका कंप्यूटर फंडामेंटल था ठीक है। जाने के बाद यहाँ पे जहाँ पे लिखा है कंप्यूटर फंडामेंटल, सबसे ऊपर वाले लेटर पे आकर अपना कर्सर को यहाँ पे रख देना है। ये देखिए यहाँ पे ब्लिंकिंग करने लगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस टैब पे जाना है। रेफरेंस टैब पे जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट दिखेगा यहाँ पे, देखिए टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे, टेबल ऑफ कंटेंट इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, इसका जो फॉर्मेट ऑटोमेटिक हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। ये देखिए टेबल 1 टेबल है लिखा ना, ऑटोमेटिक टेबल 1 टेबल 2 यहाँ पर कोई भी आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे हो चुका है टेबल ऑफ कंटेंट। मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ना चाहते हो तो पेज नंबर 1 पे जाइए, अगर विंडोज आपको पढ़ना है तो विंडोज पेज नंबर 2 पे जाइए, अगर डॉस पढ़ना है तो टेबल नंबर 3 पे जाइए, सॉरी पेज नंबर 3 पे जाइए। ऐसे करके हम जा सकते हैं ठीक है। लेकिन मैंने ऑटोमेटिक यहाँ पे कितने बनाए थे, 4 और 5, वो शो नहीं कर रहे हैं। उसको कैसे हम शो कराएंगे ठीक है, आपको ठीक ऊपर वाले पे चल जाने यहाँ पे ठीक है। ऊपर वाले जाने के बाद यहाँ से ठीक है, मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ 5। ये देखिए यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहे, जैसे कि यहाँ पे पेंट दिख नहीं रहा है ओके, और यहाँ पे ऑफिस 13 दिख नहीं रहे आपके वहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे ठीक है। उसको हम कैसे लाएंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, टेबल ऑफ कंटेंट में फिर से वापस जाना है आपको। जाने के बाद यहाँ पे कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है। कस्टम ऑफ क्लिक करने के बाद ठीक है, यहाँ पे शो लेवल, यहाँ पे केवल 3 ही सिलेक्ट है, जो भी हम काम करेंगे 3 पे ही काम करेंगे, लेकिन इसको हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, ऊपर वाले एरो पे हम लोग क्लिक करेंगे, अब देखिए ऐसे करके यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि डू यू वांट टू रिप्लेस द सिलेक्टेड टेबल ऑफ कंटेंट, यस ठीक है, और यहाँ से यस करेंगे। जैसे हम यस करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जो हुआ था टेबल वो चेंज हो चुका है, पहले 3 था और अब क्या हुआ है 5 ठीक है। तो ऐसे हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट का यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो बीच में भी अगर कोई अपडेट कुछ चेंज करना तो आप यहाँ से कर सकते, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पेंट में यहाँ पे जाकर एंड ए बटम्स पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर होम टैब पे जाना है और यहाँ से हेडिंग 6 पे क्लिक कर देना है ठीक है। उसके बाद आपको फिर ऊपर चले जाना है, सबसे ऊपर करने के बाद फिर से आपको ऊपर चले जाना है। यहाँ पे देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स और यहाँ से अपडेट टेबल दिख रहा है, अपडेट टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपडेट्स पेज नंबर 1 ली और नीचे जो दिख रहा है अपडेट्स इंटायर टेबल्स, तो आपको टेबल्स जो है लिखा ना अपडेट्स पेज नंबर 1 उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर देना है ठीक है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो वो ऑटोमेटिक जो होता है वो अपडेट हो जाता है, देखिए यहाँ पे ठीक है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, एक बार थोड़ा सा फिर से आप ध्यान दीजिए हमारे वीडियो को, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ठीक है। मैंने इसे इरेज कर दिया, हटा दिया, एक बार फिर से मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ टेबल ऑफ कंटेंट कैसे यूज करेंगे। तो कोई भी आपको पैराग्राफ आपको लिख लेना है ठीक है,
जैसे मैं हमारे सिस्टम में ऑलरेडी रहता है इक्वल टू आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद और यहाँ से इंटर। ये देखिए इसको थोड़ी साइज को बड़ा कर लेते हैं सिलेक्ट करके यहाँ से, यहाँ पर ठीक है इसको मैंने सेलेक्ट करके बड़ा कर दिया। अब सारे जितने भी जो पैराग्राफ लिखे हैं इसे अलग अलग पेज पे हम भेजेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ से भेजने के लिए कर्सर को यहाँ पे रखेंगे क्लिक कर कर, फिर इंसर्ट टैब पे जाएंगे यहाँ से और पेज ब्रेक, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जाएंगे इसको भी तोड़ के दूसरे पेज पे, पेज ब्रेक, ठीक है। फिर यहाँ पे जाकर फिर इसको भी तोड़ेंगे पेज ब्रेक, फिर इसको भी जाकर यहाँ से पेज ब्रेक, यानी कि पांच पेज मैंने बना दिया ये देखिए यहाँ पे। और सारे पेज पे एक एक हेडिंग दे देंगे किस किस टॉपिक्स पे वो है। पहला जो हेडिंग यहाँ पे हम देंगे कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, कोई भी राम के बारे में, यहाँ पे राम के बारे में, यहाँ पे राम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इसके मोहन के बारे में, मोहन, ठीक है। थर्ड नंबर जाएंगे यहाँ पे सोहन, सोहन, यहाँ पे अमित, यहाँ पे राहुल, ठीक है। यहाँ पे सारे जितने भी हमारे पैराग्राफ थे सारे पैराग्राफ को मैंने हेडिंग दे दिया। अब हेडिंग इफेक्ट अप्लाई करेंगे, ये देखिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे ऊपर वाले पे चले जाएंगे पेज पे, ठीक है। और जहां पे मैंने नाम लिखा है ना उन लोगों का, उस नाम को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम टैब पे जाना है, होम टैब पे जाकर यहाँ पे हेडिंग वन, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मोहन, इसको भी सिलेक्ट करके हेडिंग टू, ठीक है। फिर सोहन वाले पे भी हेडिंग थ्री, अमित वाले पे हेडिंग फोर, राहुल वाले पे हेडिंग फाइव, बस ये पांच ही पेज थे। अब ठीक सबसे ऊपर वाले पे चले जाना हमें, जहाँ पे राम लिखा हुआ था, ठीक है। राम लिखने वाले की जहाँ भी राम लिखा हुआ है वहां पे अपना कर्सर को रख देंगे ऐसे फर्स्ट लेटर पे, सबसे फर्स्ट लेटर पे, ओके। अब कुछ नहीं करना है आपको, रेफरेंस टैब पे चल जाना है। देखिए रेफरेंस टैब रखने के बाद आपको डायरेक्ट आपको रेफरेंस टैब पे चल जाना है। रेफरेंस टैब पे जाने के बाद आपको टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है, ये देखिए यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट पे जाने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट दिखेगा, किस टाइप आपको फॉर्मेट बनाना है, कंटेंट्स लिखना है या टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसमें से कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट पे हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे हम कंटेंट पे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है, तीन राम मोहन और सोहन। राम पे जाने के लिए एक नंबर पेज पे, मोहन पे जाने के लिए पेज नंबर दो, सोहन पे जाने के लिए पेज नंबर तीन, ठीक है। लेकिन हमने कितने बनाए थे, पांच, लेकिन यहाँ पे शो कर रहा तीन, तो उसमें पांच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज, तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। टेबल और कंटेंट पे आपको जाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो टेबल ऑफ कंटेंट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है, देखिए यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स। अभी तीन ही सिलेक्ट है, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पांच छह करके, देखिए कहाँ पे है, कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पे सो लेवल दिख रहा है ना, यहाँ पे सो लेवल, यहाँ पे केवल तीन ही सिलेक्ट है, ठीक है। इसको हम बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे देखिए यहाँ पे ऊपर वाले एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे हम बढ़ाएंगे वो बढ़ जाएगा, यहाँ पे नाइन पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। फिर जैसे हम ओके करते हैं यहाँ पे एक मैसेज आता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, डू यू वांट टू रिप्लेस द सिलेक्टेड टेबल ऑफ कंटेंट्स, कि आप सिलेक्टेड जो टेबल है उसको रिप्लेस करना चाहते हो, तो यस, ठीक है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हो देखिएगा वो इफेक्ट होगा, अभी यहाँ पे वन टू थ्री दिख रहा है, जैसे हम यस पे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे फाइव हो चुके हैं। तो ये था आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करने के लिए, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे आप ऐड करोगे, ओके समझ में आया कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे ऐड होता है। अगर कोई भी आपको अपडेट्स करना है तो बस यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर सके, अपडेट पे जैसे ही आप क्लिक कर करके आप इस पर अपडेट कर सकते हो टेबल को। जैसे मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अभी केवल मैंने कितने तक लिखा था, पाँच तक, ठीक है। अब मैं कुछ और टेक्स्ट को बढ़ाकर चेक करना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे वेयर इज यू है ना, यहाँ पे हेडिंग पे चले गए यहाँ पे और यहाँ पे हेडिंग सेवन, ओके वेयर यू हेडिंग सेवन कर दिया। अब फिर कर्सर के ऊपर ले जाएंगे सबसे ऊपर, ठीक है, जहाँ पे हमारा कंटेंट था टेबल का कंटेंट, उस पर जाकर यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे,
और यहाँ से पेज नंबर वन ली सिलेक्ट करेंगे, अपडेट्स पेज नंबर वन ली और ओके। ठीक है, जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई हो जाएंगे। तो समझ में आ गया टेबल ऑफ कंटेंट का यूज क्या है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ग्रुप का नाम है फुट नोट। फुट नोट का यूज क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए अच्छे से, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, फुट नोट मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा, ये मैंने कोई टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे, पैराग्राफ है, ठीक है, इसको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म लिख दिया यहाँ पे, जैसे HTML, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया पिन कोड, ओके, यहाँ पे लिख दिया पैन कार्ड, ओके। अब क्या करना है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, फुट नोट का यूज क्या है। रेफरेंस टैब पे चले गए यहाँ पे, इसको HTML जहाँ पे लिखा हुआ इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है इंसर्ट फुट नोट, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो वो सबसे नीचे पे चले जाता है, और यहाँ पे HTML जहाँ पे लिखा है उसका फुल फॉर्म लिख सकते हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटो HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इंडिकेट हो चुका है HTML जो है यहाँ पे, देखिए जैसे हम HTML के ठीक बगल में वन हो चुका है, यानी कि सबसे लास्ट में हम जाएंगे यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसे ही यहाँ पे है पिन कोड को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे, देखिए, और यहाँ पे टाइप करेंगे पिन कोड का फुल फॉर्म पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड, यह पिन कोड का फुल फॉर्म, यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 हो चुका है, पिन कोड 2। यहाँ पे मैंने पैन कार्ड लिखा है, पैन कार्ड को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट फुट नोट, ठीक है, और यहाँ पे पैन कार्ड का फुल फॉर्म लिखेंगे परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे HTML 1, 2, 3 यहाँ पे मार्किंग हो चुका है, इसे कहते हैं इंसर्ट फुट नोट का यूज, 1, 2, 3 मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है, 1, 2 और ये 3 यहाँ पे 1, 2 और ये 3, ठीक है, 1, 2, 3 देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे उसका, तो यही है इंसर्ट फुट नोट, ओके, समझ में आ गया इंसर्ट फुट नोट का, ठीक है। अब उसी में है इंसर्ट फुट नोट कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट। इंड नोट और फुट नोट में अंतर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। फुट नोट का मतलब वो सबसे नीचे चला जाएगा, और इंड नोट का मतलब जैसे ही नोट खत्म होगा उसी के ठीक नीचे वो कुछ टेक्स्ट आ जाएगा लिखने के लिए। देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, जैसे वीडियो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इंसर्ट इंड नोट पे क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे जैसे ही नोट खत्म होता है हमारा नोट्स यहाँ पे उसके ठीक नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे वीडियो के बारे में लिख सकते हो, वीडियो इज राम, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मार्किंग चुका है आई करके, यहाँ पे टू मेक के जगह पे भी कर सकते हैं इंसर्ट इन नोट, यहाँ पे रमेश, ठीक है। तो ये था आपका इंड नोट, इंसर्ट इन नोट, मतलब फुट नोट और इंड नोट में अंतर यही है। फुट नोट का यूज होता है सबसे लास्ट में, और इंड नोट का यूज होता है जब टेक्स्ट कंप्लीट होता है वहां के ठीक नीचे। ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है इंसर्ट नोट, इंसर्ट फुट नोट, इसका यूज क्या है मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट पे जाने के लिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पे चला जा गया, ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से, हमारा जो कर्सर यहाँ पे, ठीक है, हम इंसर्ट जो यहाँ पे नेक्स्ट फुट नोट पे है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आ चुका है। जहाँ जहाँ लिखा हुआ है फुट नोट वहाँ पे हम लोग लाने के लिए इसका यूज करेंगे। प्रीव्यू का यूज होता है, देखिए यहाँ पे इसी के ठीक ऊपर है प्रीव्यू, देखिए यहाँ पे आ चुका। प्रीव्यू मतलब पहले और नेक्स्ट का मतलब अगला। तो फुट नोट पे जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है जहाँ पे मार्किंग की है ऑटोमेटिक वहाँ पे शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे है नेक्स्ट एंड नोट, जहाँ पे मैंने एंड नोट लिखा है वहाँ पे इंडिकेट करेगा। देखिए यहाँ पे प्रीव्यू, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू यहाँ पे आ चुका है। यही है एंड नोट, ठीक है, और फुट नोट। उसी के ठीक नीचे है शो नोट्स, मतलब जितने भी मैंने नोट्स लिखे हैं वहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया व्यू फुट नोट एरिया, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक व्यू करा रहा है, व्यू करा रहा है कि कहाँ पे मैंने फुट नोट लिखा है। ठीक है, सो फिर से जाते हैं हम इंड नोट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंड वाले पे इंड नोट एरिया कहाँ पे, ओके देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे केवल क्या है शो करेगा फुट नोट और यहाँ पे इंड नोट। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है फुट नोट, फुट नोट और इंड नोट, ये ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है सिटेशंस एंड बिबलोग्राफी, ठीक है, इसके पे हम लोग डिस्कस करते हैं इसका यूज क्या है। ये समझ में आ गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे होंगे कामयाब हम, होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। ठीक है, अब मैं इसका यूज बता रहा हूँ रेफरेंस टाइप के सिटेशन, इंसर्ट सिटेशंस, इसका मैं यूज बता रहा हूँ आपको। जैसे कि ये जो टेक्स्ट यानी कि जो वर्ड्स लिखा हुआ है, जो पैराग्राफ लिखी हुई है, ये मेरा खुद का नहीं है, ये किसी महापुरुष का है, उस महापुरुष का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था होंगे कामयाब एक दिन, तो उसको कैसे हम लोग मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे देखिए इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करेंगे, एड न्यू सोर्स, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बुक, बुक का नाम, बुक को सिलेक्ट कर लेंगे, बुक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑथर का नाम लिखेंगे, यहाँ पे कौन से ऑथर का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, कौन लिखेंगे कवि, ये पोएम जो लिखे हुए हैं उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, टाइटल क्या है, अगर टाइटल आप देना चाहते हो उस टाइटल का, टाइटल भी दे सकते हो। ठीक है, टाइटल कोई भी दे सकते हो, एबीसी ऐसे करके, ईयर जो भी ईयर होगा आप यहाँ बता सकते हो, 1978 सिटी कोलकाता, पब्लिश एक्स वाई जेड। ठीक है, और यहाँ से ओके करते हैं, जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे हम कट यहाँ पे यूज करते हैं ओके करने के बाद, होंगे कामयाब, किसने लिखा था, टैगोर साहब ने लिखा था 1978 में, ये यहाँ पे सिचुएशन आ चुका है। ठीक है, अब दूसरा करके रखते हैं इस वाले पे, ठीक है, यहाँ पे कर्सर को रखते हैं, रखने के बाद यहाँ पे इंसर्ट सिचुएशन भी क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स, और ये जो लिखा है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, यूनन लिखा है हरिवंश राय बच्चन, हरि वंश राय बच्चन। ठीक है, टाइटल कुछ भी दे सकते हो आप, एक्स वाई जेड सिटी अपना दे सकते हो, जो भी ईयर हो यहाँ पे सिटी, यहाँ पे जो भी है यूपी, पब्लिशर का नाम एक्स वाई जेड। ठीक है, और यहाँ से ओके, जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे लिख दिया ना बच्चन 1956, हो गया ना यहाँ पे। तो ये है सिचुएशन देने के लिए, तो यहाँ पे आप देना चाहते हो यहाँ पे किसी चीज का, ये अक्सर यूज होता है बुक्स ब्रांडिंग के रूप में, जब बुक्स आप लिखते हो उस टाइप का देने के लिए इसका यूज कर सकते हो, इंसर्ट सिचुएशन। ठीक है, अब यहाँ पे बिब्लियोग्राफी, देखिए यहाँ पे हमने दो बनाया था बिब्लियोग्राफी, यहाँ पे दे सकते हो, कर्सर को यहाँ पे लेकर इंटर करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोई भी चूज करते हैं, रेफरेंस वर्क्स एरिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिब्लियोग्राफी, जो जो मैंने यहाँ पे टाइप किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो आ गया, बच्चन हरिवंश राय बच्चन, टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर 1956, ठीक है, यूपी एक्स वाई जेड, एबीसी कोलकाता एक्स वाई जेड,
तो ये था, आप जब आप कोई भी बुक लिखते हो लास्ट में देने के लिए, फर्स्ट में देने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, सिटेशन का, सिटेशन और बिब्लियोग्राफी का, ठीक है, बिब्लियोग्राफी। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इसका यूज हम लोग नॉर्मली राइटर का नाम लिखने के लिए करते हैं, सिटेशन, इंसर्ट सिटेशन का यूज। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कर्सर को रख देंगे और यहाँ पे इंसर्ट सिटेशन, ठीक है, एड न्यू सोर्स, ठीक है, यहाँ पे ऑथर का नाम जिसका नाम लिखा है रविंद्र टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। फिर यहाँ पे टाइटल जो भी देना है, एबीसी, ईयर 1978, सिटीज कोलकाता, ठीक है, पब्लिश एक्स वाई जेड, और यहाँ से ओके। जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे टैगोर एबीसी 1978 आ चुका है। सेम वैसे यहाँ पे भी आप कर सकते हो, यानी कि जो ये लिखे हुए हैं होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा हो विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, उन्होंने लिखा है रविंद्र टैगोर, ठीक है, पब्लिशर का नाम एबीसी, ईयर 1978, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे बुक ले लेना है, यहाँ पे ऑथर का नाम हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, टाइटल एबीसी, ईयर 1956, सिटी यूपी, पब्लिशर का नाम एक्स वाई जेड, और यहाँ से ओके। जैसे हम ओके पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है, बच्चन साहब हरिवंश राय बच्चन 1978 दिख रहा है ना यहाँ पे, ऐसे करके ऑटोमेटिक आ जाएगा। और लास्ट में अगर आपको शो कराना है, ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करोगे और यहाँ से जोन सब फॉर्मेट चाहिए आपको, ठीक है, इस टाइप का या इस टाइप का, उस पर से किसी भी क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे वर्क सिटीज ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे बच्चन, जिस फॉर्मेट आपको चाहिए, अगर ये फॉर्मेट अच्छा ना लगे तो चाहते हो दूसरा फॉर्मेट पे, आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। अगर ये चाहिए बिब्लियोग्राफी टाइप का ऐसा चाहिए, ठीक है, यहाँ से अगर अपडेट करना चाहते हो तो बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है, या यहाँ से भी आप क्लिक करके इसका रेफरेंस भी क्लिक करोगे वो रेफरेंस टाइप का हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। यह था आपका इंसर्ट सिटेशन, ठीक है, इंसर्ट सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कैप्शन। कैप्शन का यूज क्या है मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ये कंप्लीट हो चुका है, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैप्शन का यूज, ठीक है। सबसे पहले आता है कैप्शन, देखिए यहाँ पे कैप्शन है यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ, ये वाला इंसर्ट कैप्शन, इसका यूज कैसे करते हैं। कभी आपने बुक्स देखा होगा, बुक्स में आपने बहुत सारी चीजें नोटिस भी की होगी, ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आप इंसर्ट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे शेप मैंने ले लिया, यहाँ पे शेप को ले लेता हूँ, एक शेप यहाँ पे, एक रेक्ट, एक यहाँ पे स्क्वायर, एक यहाँ पे ओवल शेप, ठीक है, फिर यहाँ पे जाकर एक ट्रायंगल शेप ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए तीन मैंने शेप ले लिया। यहाँ पे शेप लेने के बाद पहले वाले शेप पे क्लिक करके यहाँ पे पोजिशन सेट कर लेना है। पोजिशन सेट करेंगे यहाँ पे टॉप, ठीक है, इसको यहाँ पे मिडिल, और इसको यहाँ पे राइट, तीनों मैंने पोजीशन सेट कर दिया, ठीक है, दिख रहा है आपको। सेट करने के बाद आपको चले जाना रेफरेंस टैब पे, पहले वाले पे क्लिक करके, पहला जो इमेज है, जो पहला जो शेप है, उस वाले पे क्लिक करने के बाद रेफरेंस पे चले जाना है। रेफरेंस पे जाने के बाद यहाँ पे कैप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कैप्शन पे क्लिक कर देना है। कैप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे कह रहेगा नाम चेंज करने के लिए, कैप्शन यहाँ पे अपना नाम चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हो पिक्चर वन, पिक्चर लेबल हटाइए यहाँ से, पिक्चर, ठीक है, और ओके। जैसे ही आप पिक्चर वन, फिगर वन पिक्चर पे क्लिक करते, देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं आप ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे लिख दो फिगर वन पिक्चर। इस पर भी फिर वैसे ही करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे,
इंसर्ट कैप्शंस और यहाँ पे ओवल ओवल और यहाँ से ओके देखिए यहाँ पे फिगर वन ओवल, फिर से हम इस पे भी जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से इंसर्ट कैप्शंस और यहाँ पे ट्रायंगल ट्रायंगल और यहाँ से ओके देखिए यहाँ पे पिक्चर वन पिक्चर टू पिक्चर थ्री दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसे टाइप का उनको दर्शाने के लिए अक्सर आपने बुक देखा होगा, बुक्स में ऐसा होता होगा पिक्चर वन पिक्चर टू यहाँ पे कोई भी मेंशन कर रहे हो ठीक है, यहाँ पे लिखोगे पिक्चर वन में से संपर्क कर ले समझ ले ठीक है, पिक्चर वन है यहाँ पे पिक्चर टू पिक्चर थ्री ठीक है, आप यहाँ से इसे कर सकते हो, यहाँ से उसका इंसर्ट कैप्शन कर सकते हो। अगर इसके अलावा दूसरा है यहाँ पे ऑप्शन इंसर्ट टेबल ऑफ पिक्चर और फिगर, अगर आप चाहते हो कि टेबल के माध्यम से फिगर को दर्शाएं तो आप दर्शा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इंटर कर रहे हैं ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट दिख रहा है और यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद कोई भी फॉर्मेट ले लेना यहाँ पे और ओके। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना फिगर वन ट्रायंगल फिगर टू ओवल फिगर थ्री पिक्चर, ऐसे करके यहाँ पे उसका टेबल के रूप में दर्शा रहा है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप चाहते हो बढ़ाना और घटाना भी आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि अभी हम कोई और पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्माइली स्माइली यहाँ पे मैंने लगा दिया इसको ठीक है, सेंटर पे करने के बाद रेफरेंस टैब गया यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन और यहाँ पे स्माइली स्माइली मैंने लिख लिया ओके ठीक है, स्माइली फोर हो चुका है यहाँ पे दिख रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे पिक्चर पे जहाँ पे लिखा ना फिगर जहाँ पे मैंने टेबल लगाया और यहाँ पे जाकर अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। अपडेट टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखेगा अपडेट पेज नंबर वन ली ठीक है पहला, और दूसरा दिखेगा अपडेट इंटायर टेबल, तो आपको कौन सा पे क्लिक करना है नीचे वाले पे अपडेट इंटायर टेबल और यहाँ से ओके। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो जैसे आप इस पे क्लिक करते हो देखिए यहाँ पे भी फिगर बन चुका है फिगर फोर स्माइली, देखिए आधा ही आ रहा है, क्यों आधा आ रहा है इसके फोटो को नीचे ले जाते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे हम फोटो को नीचे ले जाएंगे वो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक चला गया अपने लाइन पे दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसे आप कर सकते हो इंसर्ट कैप्शन, मतलब कोई भी आपने बुक में देखा होगा कोई फोटो होगा फोटो पे लिखा होगा इस चीज के बारे में इस चीज के बारे में, तो यहाँ पे आप उसका दर्शा सकते हो इंसर्ट कैप्शन से ठीक है, समझ में आ गया इंसर्ट कैप्शन। नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस, देखिए यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों तरफ होता है, एक इंसर्ट टैब में भी होता है, देखिए यहाँ पे इंसर्ट टैब में भी है क्रॉस रेफरेंस, इसे ध्यान से देखिएगा दिख रहा है यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस ठीक है, और एक यहाँ पे रेफरेंस टैब में भी है क्रॉस रेफरेंस, दोनों पे है इंसर्ट टैब में भी है और रेफरेंस टैब में भी है ठीक है, मैं इसका यूज बता रहा हूँ ये देखिएगा सबसे लास्ट में यहाँ पे आ गया कर्सर को यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस जितने भी मैंने एक्टिविटीज यहाँ पे की है उस सारे के सारे यहाँ पे शो कराने के लिए, बुक मार्क मैंने लिया है नहीं लिया है, फुटर लिया है नहीं लिया है ठीक है, इन नोट फिगर देखिए यहाँ पे फिगर मैंने लिया ना यहाँ पे फिगर दिख रही है यहाँ पे फिगर एक दो तीन इंसर्ट ठीक है, यहाँ पे जो जो चीज हम इंसर्ट कराना चाहते हैं यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं और यहाँ से क्लोज देखिए यहाँ पे फिगर थ्री फिगर थ्री दिखाया ना फिगर टू ओवल फिगर फोर स्माइली, वापिस जाने के लिए मतलब जाना चाहते हैं डायरेक्ट फिगर वन पे फिगर वन ट्रायंगल कहाँ पे है, तो बस कुछ नहीं करना है ट्रायंगल पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है स्क्रीन पे ही करेंट डॉक्यूमेंट क्लिक क्लिक कंट्रोल कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर फिगर वन पे चला गया ट्रायंगल ये था आपका। यहाँ पे भी अगर फिगर थ्री है फिगर थ्री पे जाना चाहते हो आप तो कुछ नहीं करना है कंट्रोल बटन के साथ और फिगर थ्री पे क्लिक कर देना है फिगर थ्री, यह था क्रॉस रेफरेंस ठीक है। जितने भी मैंने इस पे कोई भी काम किया है टेबल ऑफ कंटेंट किया हुआ हो या फुट नोट किया हो या सिटेशन किया हो या कैप्शन किया हो डायरेक्ट हमें जाना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग जा सकते हैं क्रॉस रेफरेंस से, बस कुछ नहीं करना है क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करना है और जो जो मैंने यहाँ पे एक्टिविटीज की है जितने भी मैंने अप्लाई किया है ऑप्शन को या मेनू को यहाँ पे बस सेलेक्ट कर लेना है ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज मैंने क्लिक किया यहाँ पे और क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट करते जाएंगे, जैसे आप इंसर्ट करते जाओगे और यहाँ पे आते जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट आप जा सकते हैं उस पर किसी भी जो एक्टिविटीज की है जो आपने ऑप्शन अप्लाई किया हो उस ऑप्शन पे डायरेक्ट चला जाएगा आपका कर्सर, ये था आपका इंसर्ट कैप्शन।
तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये कंप्यूटर का इंसर्ट कैप्शंस, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, अपडेट टेबल्स एंड क्रॉस रेफरेंस, ये था क्रॉस रेफरेंस। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करना है, जो जो आपने किया है, जैसे अभी एक बार टेबल ऑफ कंटेंट में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस रेफरेंस हेडिंग अगर मैंने लिया है हेडिंग, ठीक है, वहाँ पे हेडिंग दिखेगा, हेडिंग मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट हेडिंग वन, हेडिंग टू, रेफरेंस पे गए यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस। अब मैंने हेडिंग पे क्लिक करूँगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे हेडिंग, जितने भी मैंने हेडिंग लिखा हुआ है ना, लिया हूँ, वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा हेडिंग, दिखेगा आपको यहाँ पे हेडिंग, हेडिंग हो या फुट नोट हो, इंसर्ट नोट हो, जो भी चीज़ यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री का यूज क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आ गया होगा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के लिए कुछ नहीं करना, होम टैब पे जाना, यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर देना और बैक स्पेस या डिलीट बटन पे क्लिक कर देना, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर, ठीक है, कुछ टेक्स्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुके हैं। अब हमें बताऊंगा मार्क एंट्री के बारे में, यहाँ पे देखिए मैं आपको मार्क एंट्री का यूज बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है वीडियो को, मार्क करने के बाद यहाँ पे मार्क एंट्री, और यहाँ से मार्क, ठीक है, और यहाँ से क्लोज। जैसे ही आप मार्क किए, यहाँ पे कुछ सिंबल आ चुका है शो का, शो और हाइड, तो इसको कैसे हटाएंगे, होम टैब पे जाएंगे यहाँ पे और इस पे क्लिक करने, यहाँ पे शो एंड हाइड, यहाँ पे होम टैब भी शो एंड हाइड, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये था वीडियो, अब हम बता रहे मार्क्स ऑल का यूज, ये देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे गए यहाँ पे यू, यू पे मैंने क्लिक सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मार्क एंट्री, और यहाँ से मार्क ऑल, मार्क ऑल करने के बाद क्लोज कर देना है, क्लोज करने के बाद आपके यहाँ पे फिर से होम टैब पे जाना है और यहाँ से इसे हाइड कर देना है, ठीक है। हाइड करने के बाद अपने कर्सर को नीचे लेके आना है, जहाँ पे यू था वो ऑटोमेटिक आपके पास शो दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। रेफरेंस टैब पे जाना है, यहाँ से इंसर्ट इंडेक्स, और यहाँ से टू, ये देखिए यहाँ पे हमारा वीडियो जो था एक था, यू जो था एक था, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे इंसर्ट टेबल के रूप में दर्शा रहा है, ये देखिए यहाँ पे। अगर हम चाहते हो डायरेक्ट अपडेट करना, यहाँ से अपडेट कर सकते हो, ये देखिए यहाँ पे, एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से प्रूफ, मार्क एंट्री, मार्क ऑल, ठीक है, और यहाँ से क्लोज, और यहाँ से होम टैब पे जाकर अनहाइड, ठीक है, हाइड कर दिया हमने, और यहाँ से जाकर रेफरेंस टैब में जाकर यहाँ से इंसर्ट इंडेक्स, ठीक है, कॉलम टू कॉलम थ्री, ऐसे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ से ओके, रिप्लेस करना चाहते हो, यस, ये देखिए यहाँ पे प्रूफ वीडियो यू, जो जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है वो यहाँ पे नीचे दिखेगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे टू को लेकर चलते, टू, टू को मैंने सिलेक्ट कर लिया, मार्क एंट्री टू को, ठीक है, मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे मार्क ऑल, और यहाँ से क्लोज, क्लोज करने के बाद फिर से मुझे जाना होम टैब पे जाना यहाँ से, और इसे इसे अनहाइड कर देना है, अनहाइड करने के बाद फिर रेफरेंस, और यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स, ठीक है, और यहाँ से ओके, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देना है। डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस दिस सिलेक्टेड इंडेक्स, यस, जो जो मैंने सिलेक्ट किया है वहां पर यह शो करेगा, एक बार मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे एक बार शो करेगा, अगर फिर चाहते हैं टू को एक बार और से सिलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पे टू, ठीक है, और यहाँ से एंट्री कैप्शंस, मार्क, क्लोज, होम टैब, शो, फिर रेफरेंस, और यहाँ से इंसर्ट, और ओके, यस, सेम वैसे ही आप कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ मार्क एंट्री का यूज, देखिए यहाँ पे मैंने यू को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे यू,
यहाँ पे यू को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। रेफरेंस टैब पे जाएंगे, यहाँ पे रेफरेंस टैब पे जाने के बाद मार्क एंट्री, ठीक है, सब एंट्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे ब्लैंक ही रखिएगा इसको, सब एंट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आना है मार्क पे, जैसे ही मार्क पे आप क्लिक करिएगा, ये देखिए यहाँ पे मार्क हो चुका है, और इसे क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद फिर आपको होम टैब पे जाना है। होम टैब पे जाकर यहाँ पे इसे जो है सो एंड हाइड, इस पर हाइड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप हाइड पे क्लिक करोगे यहाँ से वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अपने कर्सर को नीचे रखना है, नीचे कर्सर करने के बाद आपको जाना रेफरेंस टैब पे। जाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट लिखा ना, इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। देखिए हमने यू को एक ही बार सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यू, यूर पे, यूर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, मार्क एंट्री, और यहाँ पे मार्क ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मार्क ऑल पे क्लिक करने के बाद इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको होम टैब में फिर वापस जाना है और यहाँ से इसे अनहाइड कर देना है, ठीक है, अनशो। और यहाँ पे कर्सर को लाने के बाद रेफरेंस टैब पे जाना है और यहाँ से इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और यहाँ से ओके, और यहाँ से यस। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। जो जो मैंने मार्किंग किया है यहाँ पे मार्किंग ऑटोमेटिक शो कर रहा है। मैंने यू को एक बार मार्क किया है, फिर योर को एक बार मार्किंग किया है तो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये था आपका मार्किंग एंट्री। अगर आप चाहते हो मार्किंग एंट्री को अपडेट करना तो यहाँ पे क्लिक है, देखिए यहाँ पे जैसे ही हम मार्किंग एरिया पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मार्किंग, जहाँ पे मार्किंग था यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपडेट इंडेक्स का जो है हाईलाइट हो चुका है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये अपडेट पे क्लिक कर देंगे, वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, थीम पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मार्क एंट्री, मार्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्क पे क्लिक कर देना है और यहाँ से क्लोज करने के बाद होम टैब और यहाँ से अनहाइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको रेफरेंस टैब जाना है, उसके बाद यहाँ पे अपडेट इंडेक्स, ये देखिए यहाँ पे थीम वन, यू और योर, मतलब जितने बार मैंने इसे मार्किंग किया यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर देगा। यही था मार्क एंट्री इंडेक्स, ठीक है, समझ में आ गया। दो बार मैंने समझाया आपको मार्क एंट्री का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सबसे लास्ट है टेबल ऑफ अथॉरिटीज। इसका यूज क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे टेबल ऑफ अथॉरिटीज है, ठीक है। आपको रेफरेंस टाइप का मार्क सिटेशन में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये मैंने वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मार्क सिटेशन पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद फिर आपको होम टाइप पे जाना है यहाँ पे भी, और यहाँ पे इसे हाइड कर देना है। हाइड करने के बाद अपना कर्सर को नीचे ला देना है, नीचे लाइए या ऊपर लेके आ जाइए, कहीं भी लेके आ जा सकते हैं अपने कर्सर को। उसके बाद रेफरेंस टाइप पे क्लिक करना है और यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हो, देखिए यहाँ पे वीडियो जो था एक नंबर पेज पे है, यहाँ पे दिखेगा। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे चेंज करना, किसी और चीज को मॉडिफाई करना, योर, जैसे यहाँ पे योर है, योर पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, मार्क सिचुएशन, मार्क, क्लोज, होम टैब, हाइड, रेफरेंस, और यहाँ पे, ठीक है, इंसर्ट टेबल, ओके, और यहाँ से यस। वीडियो एक नंबर पेज पे, योर भी एक नंबर पेज पे, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे मार्क सिचुएशन दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपडेट टेबल है, यहाँ पे ये जो कि अनहाइड दिख रहा है, ये शो नहीं हो रहा, हाईलाइट नहीं है, इसे हम हाईलाइट कैसे करेंगे, इसका यूज हम कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सेव टाइम पे आप क्लिक कर लोगे यहाँ पे, सेव टाइम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्क सिचुएशन, मार्क, क्लोज, होम टैब, ठीक है, हाइड, और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। हाइड करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, देखिए यहाँ पे जहाँ पे वीडियो और योर लिखा है ना उस पर हाईलाइट करना है, जहाँ पे आपने इंसर्ट किया था इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद आपको रेफरेंस टैब पे जाना है, रेफरेंस टैब पे जाने के बाद यहाँ पे अपडेट टेबल दिख रहा है, बस यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप अपडेट टेबल पे क्लिक किए, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है, समझ में आ गया, ठीक है। अपडेट टेबल का यूज एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यू का यूज करके, यू देखिए यहाँ पे यू है, ठीक है। मार्क सिचुएशन, अब की बार ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ,
ठीक है, ऑल और उसके बाद क्लोज, ओके। इसके बाद हम यहाँ पे इन होम टैब पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हाइड रेफरेंस और यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज और यहाँ पे ओके यस। देखिए यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे मार्क सिटेशन, ठीक है समझ में आ गया, मार्क सिटेशन का यूज, मार्क एंट्री का यूज। मार्क एंट्री मतलब आपने जो जो मार्क किया है वहां पे दिखेगा, और मार्क सिटेशन का मतलब जो जो आपने वहां पे मार्क किया है उसका एक चार्ट बन जाएगा आपका। यही था मार्क सिटेशन, ठीक है। तो ये था आपका मार्क सिटेशन, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, अपडेट टेबल आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से मैं जल्दी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुट नोट्स, सिटेशन, कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। ताकि ये जो टैब है रेफरेंस टैब आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। कैसे मैं बता रहा हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट को यूज कैसे करना है, ठीक है। पहले आपको टेबल को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जो पहला जो लाइन है यहाँ पे, इसको सारे टेबल पे आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एक ही पेज पे करना है यहाँ से कर सकते हो। इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे गए, यहाँ पे हेडिंग वन, ठीक है, इसको भी हेडिंग टू, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग थ्री, इसे हेडिंग फोर, जितने भी पैराग्राफ है मैं उसे केवल हेडिंग दे रहा हूँ, और इसे हेडिंग फाइव, ठीक है। फिर यहाँ पे कर्सर मैंने लिया कर छोड़ दिया, रेफरेंस टैब, टेबल ऑफ कंटेंट्स और यहाँ पे ऑटोमेटिक, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, पर तीन तक ही दिख रहा है लेकिन मैंने पांच मार्किंग किया है। कैसे इसे सुधारेंगे, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है, यहाँ पे कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट और यहाँ पे सेलेक्ट तीन की जगह पे इसको पांच कर लेना है, पांच छह सात जो भी है बढ़ाकर, और ओके कर देना, और यहाँ से ओके, ऑटोमेटिक ये पांच पे आ चुका है, देखिए यहाँ पे। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट इसे लगा सकते हो, अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, होम टैब पे गए, यहाँ पे हेडिंग छ, ठीक है, रेफरेंस टैब, अपडेट टेबल, यहाँ से अपडेट टेबल, ओके, यहाँ से कर सकते हो आप उसका अपडेट। ये था आपका ऑटोमेटिक। अगर आप चाहते हो मैनुअल के रूप में दर्शाना तो बस कुछ नहीं करना, टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए मैनुअल टेबल, मैनुअल टेबल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनुअल टेबल का मतलब होता है अपने हाथ से एंट्री करना, मतलब पेज नंबर वन पे आपने क्या लिखा है यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पेज नंबर ये, फिर यहाँ पे पेज नंबर टू पे ये, पेज नंबर थ्री पे ये, पेज नंबर फोर पे ये, पेज नंबर फाइव पे ये, पेज नंबर सिक्स पे ये, ऐसे करके खुद से अपने हाथों से कर सकते हो। लेकिन ऑटोमेटिक था, कुछ नहीं करना था, बस आपको इसको हेडिंग दे देना है। हेडिंग देने के बाद वन टू थ्री करने के बाद आपको टेबल ऑफ कंटेंट में जाकर बस उसे अप्लाई कर देना है, कोई भी आपको फॉर्मेट लेकर अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई करोगे ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, ठीक है। यही था आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल, मैनुअल में हाथ से होगा और ऑटोमेटिक होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। फुट नोट का मतलब मैंने आपको यूज बताया है, कोई भी टेक्स्ट को चाहते हो नीचे में एक्सप्लेन करना, ठीक है, मार्किंग कर वो नीचे एक्सप्लेन कर देगा, फुट नोट का यूज तो यही है। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का अगर आप चाहते हो कोई भी फुट नोट देकर समझाना, यहाँ पे फुट नोट को समझा सकते, यहाँ पे वन पे, ठीक है। सेम वही है इंसर्ट नोट, अगर आप जहाँ पर नोट कंप्लीट होता है वहां पे किसी टॉपिक को समझाना चाहते हो, किसी वर्ड को समझाना चाहते हो तो यहाँ पे समझा सकते हो। चूज पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, इंसर्ट नोट पेज दिखा, ठीक है। यही है फुट नोट और इंड नोट, मतलब जहाँ पे वो इंड होगा आपका नोट्स वहां पे वो होगा, और फुट नोट का मतलब जहाँ पे आपको सबसे नीचे जो कंप्लीट होगा वर्ड या पैराग्राफ वहां पे वो लिखेगा फुट नोट, ठीक है। नेक्स्ट है इंसर्ट सिटेशंस, अगर आप चाहते हो बुक ब्रांडिंग कर रहे हो, बुक बना रहे हो, वहां पे ऑथर का नाम या जो भी चीज आप देना चाहते हो, कब आपने पब्लिश किया, क्या है क्या नहीं है, इस टॉपिक्स को टाइटल क्या है, आप यहां से दे सकते हो। इंसर्ट कैप्शन पे जाकर, इंसर्ट कैप्शन पे जाना है, क्लिक करना है एड न्यू सोर्स, और यहाँ पे जो भी आएगा आप उसको फिल कर देना, ऑथर का नाम ले लेना यहाँ पे, जो भी आप अगर खुद से बना रहे हो बुक तो यहाँ पे अपने ऑथर का नाम, खुद का नाम, टाइटल, अगर बुक का नाम क्या देना चाहते हो, टाइटल क्या होना यहाँ पे दे सकते हो, ईयर कब आप पब्लिश करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे दे सकते हो, सिटी का नाम, जो भी सिटी से आप बिलोंग करते हो सिटी का नाम, और पब्लिश कब आप पब्लिश करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे दे सकते हो फ्यूचर, प्रेजेंट, मतलब जब भी 2025 2030 यहाँ से बस लिख देना और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही ओके करते हो यहाँ पे पब्लिश का नाम आ जाएगा, ठीक है।
वही है बिब्लियोग्राफिक, वहां पे जो भी आपने सेटिंग किया है उसे चाहते हो इंसर्ट करना था, बस यहाँ पे कोई भी क्लिक करोगे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट कैप्शन का यूज मैं बता रहा हूँ, कभी आप पिक्चर देते हो, फिगर देते हो, फिगर पे मार्किंग होना चाहिए। कभी बुक्स में देखे हो ना फिगर वन, फिगर टू, फिगर थ्री, मैथ्स के बुक्स में भी देखे होगा अक्सर, पिक्चर वन, पिक्चर टू, पिक्चर थ्री पे संपर्क करें, 3.4 का पिक्चर नंबर 5 ये है, ये 6 है, ऐसे समझने के लिए हम लोग इंसर्ट कैप्शन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। इंसर्ट हो जाना है पिक्चर पे, कोई पिक्चर भी ले सकते हैं, पिक्चर को भी कर सकते हैं यहाँ से इंसर्ट, ठीक है, पिक्चर से भी आप दर्शा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ गए रेफरेंस, ठीक है, इंसर्ट टेबल ऑफ पिक्चर्स और ऐसे ओके, ठीक है, फिगर वन, इंसर्ट टेबल, आप यहां से दर्शा सकते हो। वही है मार्क एंट्री, अगर आपको कोई भी एंट्री करना है जैसे कि कोई वर्ड के बारे में एंट्री, आप यहां से एंट्री कर सकते हो, ठीक है। और मार्क सिटेशन, अगर उसी से रिलेटेड कोई टेक्स्ट को चाहते हो सिटेशन करना तो यहां से आप कर सकते हो सिटेशन पे क्लिक करके। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आया किसी भी टूल्स के बारे में, किसी भी ग्रुप के बारे में, तो आप हमें हमारे कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हो, ठीक है, धन्यवाद।